गाइज यदि व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप की कमाल की सेटिंग बताऊंगा। गाइज कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो पर्सनल चैट होती है, पर्सनल डिटेल होती है, पर्सनल फोटो होती हैं, आप एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं, चैट करते हैं, तो वो आपकी चैट हिस्ट्री डिलीट हो जाती है। कई बार आप डिलीट भी कर देते हैं। कहीं ऐसा होता है कि काफ़ी आपको कभी काम पड़ जाता है कि यार मेरी जो हिस्ट्री थी यानी चैट थी, फ़ोटो जो मैंने शेयर की थी, जो मैंने चैट की थी, तो वो वापस कैसे लाना है। गैज कई बार ऐसा होता है याद के लिए आप उसे वापस लाना चाहते हैं, जो कई बार ऐसी चैट हो जाती हैं जिन्हें आप रिकवरी करना चाहते हैं, देखना चाहते थे कि मेरी किससे बात हुई थी यार, कौन कौन सी बातें हुई थी। तो इस तरीके से आप अपनी चैट, फोटो, वीडियो सारा कुछ रिकवरी ला सकते हैं। गैज काफ़ी कमाल की सेटिंग। गैज पुरानी पुरानी चैट आप बैकअप ला सकते हैं। गज इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप पर आना होगा। गज व्हाट्सएप पर आने के बाद थ्री डॉट पर जाना है। गज थ्री डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पर जाना है। गज अब सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी चैट। गज चैट पर जाना है। चैट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको चैट बैकअप पर आना है। गज चैट बैकअप पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जैसे आपने जो चैट की डिलीट हो चुकी है, आपके जो चैट फोटो शेयर आपने किए, तो यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हैं। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पर इन टू इन स्क्रिप्टेड। यहाँ पर आप भी इसको ऑन भी कर सकते हैं, यानी इसे ऑन हो गए तो आपको बैकअप लेने पर कठिनाई जाएगी, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको इसको ऑफ ही रखना है। गाइज ये आपके सेफ्टी के लिए होता है कि अदर कोई आपके फ़ोन का बैकअप ना ले पाए व्हाट्सएप का। अब गाइज यहाँ पर नीचे आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है गूगल ड्राइव। गाइज यहाँ पर बैकअप आप डेली का लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, वीकली, तो आपको डेली या वीकली को कर लेना है। गाइज इससे होगा कि आपका यानी नेट भी कम खर्च होगा और आपकी MB भी कम कर यहाँ पर नेट कम खर्च होगा और बैकअप लेने पर ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, फ़ोन आपका हीट भी नहीं होगा। तो गाइज आपको ये कर लेना है, जो आपका डेली बैकअप आपको देखने को मिलता रहेगा, जो किस मतलब जो चैट आपने की थी पूरा बैकअप आपको होता रहेगा यहाँ पर डिलीट होने के बाद भी। अब गाइज बात करते हैं गूगल अकाउंट। आपको किस अकाउंट पर, यानी कहीं ऐसा होता है आप फ़ोन फॉर्मेट कर देते हैं, या फ़ोन आपका बिल्कुल फैक्ट्री रीसेट हो जाता है, या व्हाट्सएप डिलीट हो जाता है, तो जो पुराना बैकअप है आप उसे लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है, काफ़ी मोस्ट फोटोज, वीडियो, चैट होती हैं जिन्हें आपको काफ़ी मतलब ज़रूरत पड़ती है और बाद में आपको वो मिल नहीं पाती, तो गई आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, जो आपको ईमेल आईडी पता हो, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी का पासवर्ड पता हो। गई तभी आपकी चैट जो होगी पुरानी पुरानी बैकअप हो पाएगी, ऐसे नहीं हो बैकअप हो पाएगी। तो गैज ये सेटिंग आपको कर लेना है, यहाँ पर आपको अलाउ कर लेना है। अब गैज पुरानी से पुरानी चैट का आप बैकअप ले सकते हैं रीसेट होने के बाद भी। अब गैज यदि आप चाहते हैं कि आप वाईफाई से बैकअप लेना है, तो गैज वाईफाई भी कर सकते हैं, वाईफाई से भी बैकअप ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट नहीं होता तो दूसरे से वाईफाई कनेक्ट करके या वाईफाई से ही आप बैकअप ले सकते हैं। अब गाइज बात करते हैं इंक्लूड वीडियो का ऑप्शन मिलेगी यहाँ पर देखने पर। अब यदि आपने चैट पर वीडियो भी शेयर की है और अगला व्यक्ति ने भी आपको शेयर किया, तो यदि आप उसकी और अपनी दोनों की वीडियो आप बैकअप लेना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है काफ़ी मोस्ट वीडियो चली जाती हैं शेयरिंग पर और वो डिलीट हो जाती हैं, बाद में आपको पछताना पड़ता है, तो गाइज इस तरीके से आप इंक्लूड वीडियो को यदि टिक कर देते हैं तो यहाँ पर वीडियो का भी बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइज इस तरीके से आप पुराना से पुराना व्हाट्सएप का चैट का बैकअप ले सकते हैं। गाइज फोटो वीडियो सारा कुछ बैकअप पर आ जाएगा ये सेटिंग करने से, तो काफ़ी कमाल की सेटिंग। गाइज ये आपको पता ही होनी चाहिए। गाइज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना।